आपण निज जीवन रे केते बड़ ओ विशालकाय जीव देखिछन्ति। हाँ, आपण खाली आखिरे जिराफ किंबा पणमणीष देखिथिबा कथा कहि पारन्ति, आउ टीवी किंबा मोबाइल रे डायनासोर देखिथिबा कथा कहि परिबे। डायनासोर भी आम पृथ्वीर एक विशालकाय जीवनक भितर जाउछि। हेले आज आम एमिति एक रहस्यमयी आश्चर्य कला भळी जीव विषय रे जानिबा, जहाँ साधारण मनिषर कल्पनार बाहर। तेबे सही जीव केउं जंगल किंबा पहाड़ रे देखिबा को मिलन्ति नाही, सेमाने गभीर समुद्रर घन अंधकार भितर रहन्ति। तेबे आउ डेरी काहेकि, चालंतु जानिबा सही विशालकाय जीव विषय रे आपणंकर निज चैनल द मिस्ट्री मिरर ओडिया रे। वीडियो को पूरा देखिबा पूर्वरु आम चैनल को सब्सक्राइब करनियंतु। जदि आपण एही भली किछि इंटरेस्टिंग वीडियो देखि अपडेट रहिबा को चाहुचंते, ताले बेल आइकन को भी निश्चय दबांतु। गोटे छोटिया कहानी रु ही एही जीवर कथा आरंभ करिबा। 1128 समय रे नॉर्वेर राजा समुद्र पथ देई यात्रा करथिबा समय रे अचानक प्रबल झड़ वर्षा हला। आउ सेही झड़ वर्षा अंधकार भितरे राजा देखिबा को पाइले एक विशाल दानव भली दिशुथिबा जीव, जहार देह सारा कंटा ओ दांत भली धारुआ जिनिस लागिथिला। एहा एमिति देखा जाउथिला जेमिति सेही जीवर देह सारा कणा होइ जाइछि, किंतु प्रकृतरे ताहाकु टेंटिकल्स कहन्ति। एई कथा से समय रे विश्वास करागला, जेतेबेले एई घटनार पाखापाखि 10 वर्ष परे किछि माछ धराळी निज निज डंगा नहीं गभीर समुद्र भितरक जाइले। से मुहर शुणा जा लोककथा अनुजाई एक विशालकाय जीव को सेने कार्कोन बोली कहते। आउ जो भी मछधरा बहुत माछ पाई थाए, ताकू तुरंत से ही स्थान पलैवा उचित, कहीं जगार कार्केन लुचि रही था। आउ मौका देख से ही मछधरा डंगा गुड़ी ओल्टाई देता है। तो होगा लोककथा आ कहानी, किंतु प्रकृतर ए विशालकाय जीव को जीवंता केही भी देखि न थाई पारंती, काहेकि ना एहाकु जीवंता देखि फेरिबा ही काठिकर पाठ। तथापि एही सब लोककथा एते प्रचलित जे एही भयानक जंतु मानक कल्पना भी फिल्म रे देखा जाए। हेले गवेषक किंबा वैज्ञानिक माने केबे भी कोनोसी लोककथा को नहीं तथ्य रखते नहीं, तेणुक तथ्य अनुसार प्रथम थर पर एहार जीवंता चित्र 15 जनवरी 2002 गेसिक समुद्रकूल जापान रे उठा जाइतला। सेते बेले एहा थिला 13 फुट लंबा, आउ गोटिए रातिर ही एहा मृत्युवरण कला। सेबेठारु ताहार रिसर्च करिबा पछरे लागी पड़िले वैज्ञानिक, जहाँ भी अस्थि कंकाल रहितला ताहा आज जाए जापान रो नेशनल साइंस म्यूजियम रे रखा जाइछि। एहा परे एही जीवर ना रखा गला जायंट स्क्विड। जायंट स्क्विड गभीर पानी रे रहुथिबा एक अनोखा प्रजाति। दुनिया रे प्रत्येक महासागर रे एही जायंट स्क्विड रुहंती। आउ एमाने बेले बेले बाटबणा होई किंबा असुस्थ होई समुद्र कूल आड़े भासी आसंती ओ गभीर पानी बिना मरी जांती। आज पर्यंत देखिबा को मिलिथिबा सबुठु बड़ जायंट स्क्विड रो लंब 69 फुट ओ ओजन गोटाए टन। वैज्ञानिकों अनुसार मेल जायंट स्क्विड फीमेल जायंट स्क्विड ठारु छोट। जदि फीमेल रो आकार कथा कहिबा ताहेले एक स्कूल बस ठू भी बड़ हो पारे। एमानंकर विशालकाय मुंड थाए, बड़ बड़ आखि थाए, 8 हाथ थाए जहाँकि अक्टोपस भली लंबी पार थाए, एवं शिकार को धरिबारे एहा साहाज्य भी करे। एबे आपण भावुथिबे जे एते बड़ जीव समुद्र रे बंचिबा पई खाउथिब कण। हाँ, एई जीव गभीर समुद्र रे भी निज शिकार आराम रे करि पारे। एहा आकार रे छोट थिबा व्हील माछ को खाई थाए। जेहेतु एई जायंट स्क्विड 3000 रु 6000 फुट गभीरता रे रुहंती, सेथि पई सेमाननको आखी बहुत बड़ होइ थाए, जहाँ को देखिले हुए तो साधारण लोक राक्षस भाबी डरि जांती, किंतु प्रकृतर यही आखि जो से निजर शिकार को घन अंधार भितर भी खोजी पाते। ये जायंट स्क्विड
ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଛ ଆକାରରେ ବି ସମୁଦ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି, ଯାହାକୁ ସି ଫୁଡ୍ ଭାବେ ଲୋକମାନେ ଖାଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ଜୀବ ବହୁତ ହି ବିଷାକ୍ତ। ଏହି ଜାଇଣ୍ଟ ସ୍କ୍ୱିଡ୍ ବିଷୟରେ ଅନେକ ମାଇଥୋଲୋଜିକାଲ କଥା ବି ରହିଛି, ଯାହାକୁ ସମୁଦ୍ରୀ ଦାନବର ନାମ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ଜାଇଣ୍ଟ ସ୍କ୍ୱିଡ୍କୁ ନେଇ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଅନେକ ବହି ବି ଲେଖାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ବିଶାଳକାୟ ଜୀବ ବିଷୟରେ ଶୁଣୁଥିଲେ କିମ୍ବା ପଢ଼ୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏହା କେବଳ କାଳ୍ପନିକ କାହାଣୀ ଲାଗୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଜାଇଣ୍ଟ ସ୍କ୍ୱିଡ୍ଙ୍କ ବିଷୟରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରାଗଲା, ସେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟକୁ ନେଇ ହିଁ ସମସ୍ତେ ଏହାର ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝିପାରିଲେ। ଆମେ ବି ଆଶା କରୁଛୁ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଏପିସୋଡ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁନିଆର ଜଣା ଅଜଣା କଥା ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ମିଳୁଛି, ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଉ ଗୋଟାଏ ମିଷ୍ଟ୍ରିୟସ୍ ଏପିସୋଡ଼ରେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଦ ମିଷ୍ଟ୍ରି ମିରର ଓଡ଼ିଆ।